মিল্কু, ওই যো কে 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 মিল্কু, ডাকো। ডাকবে না, ডাকবে না। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह थोड़ा लेट से उठी थी और फिर ऑफिस का भी काम था, तो यही सब करते करते और व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी। अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आज वेज है तो थोड़ा सा पनीर बना ले रही हूँ क्योंकि टुम्पा अभी छुट्टी पे है, तो अभी कुछ दिन से मैं ही खाना बना रही हूँ, तो ये बन गया पनीर। तो अभी मैं थोड़ा सा निकलूँगी क्योंकि कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसके वहाँ बर्थडे पे जाना है, और इसलिए अभी थोड़ा सा एक गिफ्ट देखने के लिए जाऊँगी, उसके लिए क्या ले सकती हूँ, और थोड़ा सा केक के लिए भी सामान लूँगी क्योंकि मैं सोची हूँ कि एक केक बना के ले जाऊँगी उसके लिए। जो सरप्राइज़ उसको दे रही हूँ वो बर्थडे व्लॉग में दिख जाएगा कल का। और आज का इस व्लॉग में मैं कैसे क्या बना रही हूँ, केक कैसे बना रही हूँ और क्या गिफ्ट ले रही हूँ, ये सब भी मैं दिखाऊँगी। तो ठीक है, अभी मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस थोड़ा सा ड्रेस खाली चेंज कर लेना है, उसके बाद निकलूँगी। मैं मम्मी दे दी है एक कैलेंडर क्योंकि इसमें एक गणेश का फ़ोटो है, तो उसको फ्रेम करवाना है। तो ठीक है, अभी जल्दी से जाती हूँ, अभी तो शाम हो रही है ऑलमोस्ट, तो ठीक है वहाँ जाके फिर जो भी खरीदूँगी, अब जो भी देखूँगी उसका भी वीडियो करती हूँ। अभी जस्ट शाम होने वाली है तो स्काई बहुत सुंदर लग रहा था, तो ठीक है अभी जल्दी से मैं जा रही हूँ गरियाहाट। ये मैं आ गई हूँ गरियाहाट मार्केट, तो ये अंडरग्राउंड मार्केट में मैं जा रही हूँ, यहीं से मैं लेती हूँ केक का सामान, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है और इस दुकान से ही मैं लेती हूँ। अरे पिंक एटा केक का सामान लेना हो गया। अभी आई हूँ फोटो फ्रेम का दुकान में, तो यहीं से मुझे वो फ्रेम करवाना है गणेश जी का फोटो। अभी गोल पार्क में थोड़ा फोन का दुकान में जा रही हूँ क्योंकि एक न्यू फोन लेने का मैं सोच रही थी, तो इसीलिए अभी इस दुकान में देखती हूँ। अभी घर के पास ही मैं हूँ एकदम, तो यहाँ से अभी लेना है थोड़ा सा फ्रूट्स, तो ये मैं थोड़ा मैंगो ले रही हूँ और एक पपीता भी ले लूँगी यहाँ से। अभी जाऊँगी थोड़ा सा आश्रम क्योंकि आज पूर्णिमा का पूजा हुआ है, वहाँ पे भी प्रसाद मिलेगा। और बुल्टी के घर में आज थोड़ा सा खिचड़ी बना था, वही अभी मम्मी दे रही है मुझे, तो ये देके गई थी और दोपहर में और मैं खाई नहीं थी, तो अभी थोड़ा सा खा ले रही है इसलिए, तो थोड़ा सा खिचड़ी खा के फिर आश्रम जाऊँगी। अभी निकल गई और जा रही हूँ राम ठाकुर का आश्रम में, दीदी लोग भी जा रही है मेरे साथ, तो अभी हम लोग बस से ही जाएंगे शायद। और बुल्टी का अभी तक ऑफिस ख़त्म नहीं हुआ है, तो बुल्टी का जैसे ही होगा तो वो वहाँ से आ जाएगी क्योंकि उसके वहाँ से पास में ही है। आश्रम में पहुंच गई हूं और अभी 9:15 बज रहा है और अभी तक इतना लंबा लाइन है, देखिए बहुत लंबा लाइन है आज क्योंकि आज पूर्णिमा है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ था और हम लोग एकदम लाइन का लास्ट में अभी लगे हैं। तो दीदी लोग है और यहाँ पे बुल्टी भी ले ली है प्रसाद, और बस अभी मैं भी ले ली हूँ, तो खाओ इधर थोड़े दाड़ी है। ये दीदी लोग, ये लोग भी खा रही है, तो प्रसाद खा के अभी हम लोग घर ही जाएंगे क्योंकि अभी आश्रम बस बंद होने वाला है, अभी ऑलमोस्ट 9:15 हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए लाइट्स भी ऑफ हो गया अभी, तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अभी घर जा रही हूँ और आश्रम तो पूरा ही अभी बंद हो गया है, मतलब अभी बंद हो ही रहा है क्योंकि बहुत लेट हो गया। और कल तो मेरा प्लान था फ्रेंड का बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, तो वो अभी पोस्टपोन हो गया है क्योंकि उसके घर में एक रिलेटिव का भी तबीयत ख़राब है, तो हॉस्पिटलाइज्ड है, इसलिए कल और नहीं होगा, बाद में होगा बर्थडे पार्टी। तो जब मैं गरियाहाट गई थी तो सोची थी कि फिर घर आके केक बनाऊँगी, वो थोड़ा देर पहले मुझे कॉल करके बताई, तो इसीलिए आज और केक नहीं बनाऊँगी, फिर जब जाऊँगी उसके पहले केक बनाऊँगी। तो अभी सोच रही हूँ घर जाके कुछ खाना बनाऊँगी, तो सोच रही थी कि सत्तू पराठा बनाऊँगी। सत्तू पराठा के लिए यहाँ पर मैं रेडी कर ली हूँ, तो अभी इसको बेल के पराठा बना लेना है और फिर इसको फ्राई करूँगी, सेक के फिर फ्राई करूँगी। तो अभी ये कोशिश कर रही हूँ गोल गोल बेलने का क्योंकि मुझसे नहीं होता है। तो ये हो गया, इतना ही बना है, 8 से 10 बना है शायद, तो अभी इसको थोड़ा सा सेक लेती हूँ फिर इसको फ्राई करूँगी। तो ये मैं बना ले रही हूँ सत्तू पराठा। तो आज के लिए हो गया है, खाना भी हो गया पराठा बना के, और जल्दी जल्दी गरम गरम ही खा ली हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट 11:30 बज रहा है, तो अभी ठीक है इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ और अभी थोड़ा सा एडिटिंग पे भी बैठूँगी, तो ये सब कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगला ब्लॉग में, एंड तब तक के लिए बाय।